टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में 31 जुलाई की आधी रात से ऑटो रिक्शा और टैक्सी मालिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन के प्रणव पेनकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि कोकण मंडल में ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में करीब 2.5 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन 31 जुलाई की आधी रात से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। कोकण विभाग रिक्शा टैक्सी महासंघ की तरफ हमने आने वाले 1 तारीख को 5 जिलों में बंद का आंदोलन का इशारा दिया हुआ है और उसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख रिक्शा वाले ऐसे हैं कि इसमें वो सहभागी होंगे और 30 से 35 यूनियंस बाकी भी है हमारी यूनियन छोड़ के कि जो हमको सपोर्ट इसमें कर रही है आने वाले से। हमारे 4 डिमांड्स है, उसमें एक तो परमिट बंद होना चाहिए क्योंकि उसका डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है रिक्शा का और डिमांड्स कम है उस हिसाब से ट्रैफिक भी हो रही है, रिक्शा वालों का पेट भी नहीं भर पा रहे क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा है कि ई चलन जो हो रहा है उसमें कुछ सुधारणा हो क्योंकि उसमें बहुत सी खामियाँ हैं। आज रिक्शा वाले को ही पता नहीं है कि उसका चलन कब कट रहा है। एक्चुअली उनको दिया गया है एक डिवाइस डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक में होती है उनको एक डिवाइस दिया गया है कि उसमें से वो लोग कुछ भी हो तो कार्रवाई कर पाए और वो छोड़ के वो फोटो निकाल रहे मोबाइल से, रिक्शा वाले को पता भी नहीं है, 200 मीटर पे है रिक्शा वाला, उसका फोटो निकाल के उसका सिर्फ नंबर प्लेट का फोटो कर रहे हैं और फोटो डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और उस पर ई चलन आ रहा है। 13-13 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये सिर्फ ई चलन का फाइन लग रहा है, रिक्शा वाला कहाँ से भर पाएगा और उसको पता भी नहीं है। आज लोग कोई मर्डर करता है या किसी का खून होता है तो उसको भी उसकी साइड या उसकी बाजू मारने का या उसको उसकी साइड सामने रखने का, गवर्नमेंट के सामने रखने का या प्रशासन के सामने रखने का उसको अधिकार है, पर यहाँ ये केस में रिक्शा वालों को अधिकार ही नहीं है कि ये चलन फटा क्यों है, तो वो एक दो चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि इसमें परमिट हो गया, दो चीज़ आपका दूसरा ई चलन हो गया, तीसरी चीज़ है कि दरवाड़ होनी ही चाहिए, उसके बिना कुछ होगा नहीं क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से रिक्शे के खर्चे बढ़ रहे हैं उस तरीके से हमको हमारा हक नहीं मिल रहा है। और चौथा है कि आप महामंडल की स्थापना करोगे उसमें रिक्शा वालों का एक प्रतिनिधि उसमें हो और वो प्रतिनिधित्व करे, ये हमारी 4 मुख्य मांगे हैं। अभी खुद एक रिक्शा चालक है, क्या उनसे बात हुई है इस सभी मामले के बारे में या उनकी मीटिंग करने वाले हैं? हम लोगों ने उनके साथ पत्र व्यवहार किया है, मुख्यमंत्री डिपार्टमेंट को हम लोगों ने ईमेल भी भेजा था, पत्र भी भेजे हैं, परिवहन डिपार्टमेंट को, परिवहन आयुक्त को भी हम लोगों ने पत्र व्यवहार किया हुआ है, वहाँ से अभी तक तो कुछ हमको उम्मीद आई नहीं है और आने वाले लग में ऐसा लग रहा है कि 3 या 4 दिन में वो आ सकती है।